मैम आप इस गाने के लिए एक्ट्रेस हैं, आपने अच्छा काम किया है, कहाँ से ये दिख रहा है हम लोगों को, दो दो बार हमने गाना देखा, बहुत पसंद आया, थैंक यू, अच्छा है, विजुअली काफी अच्छा है, किस तरह से गाना शॉर्ट हुआ, किस तरह से आपने बोल दिया है? एक्चुअली मुझे सबसे पहले आनंद जी का कॉल आया था इस प्रोजेक्ट के लिए, देन मैंने हाँ करी और हमारा शूट बहुत ही अच्छे से हुआ है. मीन्स सबसे पहले मैंने इसके लिरिक्स सुने थे और मुझे ये गाना थोड़ा सा बदनाम बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज मेरी बात हुई थी कि आप प्लीज़ पहले मुझे गाना भेजिए तब मैं डिसाइड करूँगी. और गाना जब मैंने सुना ना तो मुझे लगा इट्स वेरी इमोशनल और ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. मतलब जिसने भी लिखा है ना बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बेस्ट तरीके से लिखा है. देन मैंने इसके लिए हाँ करा और हमारा शूट बहुत ही अच्छा रहा. पूरी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सब बहुत अच्छे थे. आई रियली एंजॉयड अ लॉट. इसके अलावा लोगों ने भी काफ़ी कहा जो यहाँ पे मेहमान आए कि गाने में इंटेंसिटी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा नजर आ रहा दोनों ही एक्टर्स का. ओके कितना बढ़िया लगा सुनकर. आदेश जी जो थे ही वॉज वेरी सपोर्टिव और उनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है. ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम टी वी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम टी वी, तो उनके साथ पहला एक्सपीरियंस था बट इट वॉज टोटली गुड. मतलब बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया, हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी थी, जहाँ मैं कुछ गलती कर जाऊँ वो मुझे समझाते थे, हम दोनों का मीन्स अच्छा रहा. ओवरऑल इट वॉज वेरी नाइस. इनकी हाँ इनके लिए मैं यही कहूँगी कि इनको थैंक यू सो मच कि इन्होंने मुझे अपने गाने में थोड़ा सा बदनाम में पहली अपॉर्चुनिटी दी. एंड थैंक यू सो मच सीरियसली और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके. एंड आई होप कि नेक्स्ट भी हम काम करेंगे बहुत जल्दी साथ में. प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स लिरिक्स राइटर्स कंपोजर्स सब बहुत अच्छे हैं, सबने गाने को बहुत डीपली अच्छे से लिखा, उसको अच्छे से शो किया है एंड इट इज़ रियली नाइस. नहीं सर, मैं प्रॉपरली इस फील्ड से नहीं हूँ. एक्चुअली एके जो है एके ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसमें लगभग 4 से 5 अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं. तो जिसमें सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी बिजनेस है वो रियल इस्टेट है और कहीं ना कहीं यूपी बिहार और 5 स्टेट्स में हम लोग लीडिंग रियल इस्टेट कंपनी है. साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का भी काम है जिसमें हम लोग लगभग 40 प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह का हमारा अपना ब्रांड है और लगभग 6 से 7 स्टेट्स में हमारा काम शुरू हो चुका है. उसके बाद फाइनेंस सेक्टर में भी है. जस्ट फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया गया और म्यूज़िक इंडस्ट्री में चूँकि मैं पर्सनली यूपी बिहार से बिलोंग करता हूँ तो सबसे पहले हमने अपनी लोकल लैंग्वेज में डेंजर म्यूजिक्स का एक म्यूज़िक चैनल लॉन्च किया जिसमें भोजपुरी के सारे बड़े स्टार्स खेसारी लाल जी, अंकुश पराजा सब ने उसमें काम किया और कर रहे हैं लगातार हम लोग. फिर हम लोग हिंदी की तरफ बढ़े और लिंस ऑडियो कंपनी हमने लॉन्च किया और इस कंपनी का मूल मकसद और विज़न यही है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हम नए लोगों को इसमें अवसर दें जिनको एक मुंबई में शुरुआती दौर में मुश्किल होती है काम करने में और काम पाने में, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा नए और फ्रेशर्स चेहरों को हम मौका दे सकें. यह कंपनी का उद्देश्य है कि हम अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स को अवसर दे पाएँ. इसी उद्देश्य के साथ लिंस म्यूज़िक का शुरुआत किया गया और अतीक जी हमारे लिरिक्सिस्ट हैं जिन्होंने इस गाने की रचना की, वो हमारे मूलभूत प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और उनके साथ शुरुआत हुआ और अभी तक वो लगभग हमारे 10 से अधिक सॉन्ग्स को लिख चुके हैं और 10 से अधिक सॉन्ग्स हमारे तैयार हो चुके हैं. और कंपनी अपने दर्शकों को इस बात का विश्वास दिलाती है कि हम सप्ताह में कम से कम एक गाना ज़रूर अपने दर्शकों को देंगे और ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा. धन्यवाद सर. आने वाले दिनों में आपको लगभग मैंने जैसा कि बताया आपको कि हर सप्ताह हम आपको एक नया गाना देंगे, हर सप्ताह आपको एक नया सॉन्ग सुनने को मिलेगा, जो नेक्स्ट वीक हमारा फिर एक सॉन्ग आएगा. साथ ही साथ इसमें एक कोलैबोरेशन होगा नए सिंगरों का और पुराने सिंगरों का, दोनों को मिलाकर दर्शकों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. हम लोगों के पूरी जितने अभी तक 10 गाने बने हैं वो सभी गाने ऐसे हैं कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं और आने वाले समय में भी हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि इस तरह के सॉन्ग्स लाए जाएं जिनको आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकें और हर एज ग्रुप का बंदा उसको देख सके। अच्छा, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, शूट तो पूरी हो चुकी है, सामने कोई यादें आप शेयर करना चाहेंगे सेट पे जो आपने आपके पोस्टर्स के साथ किया? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक ये था कि हमारा झगड़ा ज़रूर होता था प्रोफाइल्स को लेके कि मेरा ये प्रोफाइल अच्छा है, मेरा ये प्रोफाइल अच्छा है, बाकी सब अच्छा था। हमारा रात का सीन जो शूट हुआ था बीच के वहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा था। इट वॉज़ वेरी नाइस बिकॉज द वेदर वॉज़ वेरी गुड, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वॉज़ वेरी फंटास्टिक। देखिए, अपने आप में वो गाना ही इतना अच्छा है कि उसके बोल इतने अच्छे हैं कि मुझे करने में बहुत मज़ा आया। और इंटेंसिटी तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट रही है, मैं एक्टर ही इंटेंस हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ साथ लेके ही चलता हूँ। और ये गाना जब मैंने सुना तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने योगेश को बोला कि करना है। तो जितनी भी हमारी कोशिश हम कर सकते थे, हमने पूरी कोशिश की कि आपके सामने दिखा दिया, तो आप लोगों को पसंद दिया। नहीं नहीं देखो, ये लीज म्यूज़िक की कोशिश एक शुरुआत है और ये तो पहला गाना है। अभी तो 5-6 और कर चुके हैं और बहुत सारे गाने आने वाले हैं और सारे गाने एक से एक बढ़िया ही बन रहे हैं। 2-3 मैंने सुने जो मुझे बहुत पसंद आए, मैंने योगेश को बोला कि ये तो शुरुआत है, अभी और करेंगे हम साथ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और बेहतर और बढ़िया करते ही जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। ये हमने मडारिन में शूट किया, एक बीच फेसिंग बंगलो है उस पर हमने शूट किया, बीच हाउस बोलते हैं उसे, तो वहाँ पे शूट। अभी बताइए सर, आप बोलिए कुछ करेंगे। सर हम लोग कंटिन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सर के साथ अभी हम लोग जल्दी एक सॉन्ग और करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी चल रही है, तो अभी करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी रिस्पॉन्स कैसा है इस गाने? अच्छा रिस्पॉन्स मिला जो आपके दोस्त के, जो सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। ये सबसे पहला रिव्यू तो मैं मेरी मम्मी से लेता हूँ, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, उनको बहुत पसंद आया। सबसे पहला रिव्यू तो अपने घर वालों का ही होता है, कोई भी आप काम करते हैं तो उनसे पूछते हैं, मम्मी ये किया है कैसा लगा, तो बहुत पसंद आया। और जितने लोगों से मैंने शेयर किया, टीज़र शेयर किया, वो सबको बहुत मज़ा आया। और जब खुद को करने में मज़ा आता है तो दूसरों को भी मज़ा आता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग किस तरह से आप उस गाने के साथ आगे बढ़े, किस तरह से पूरी ज्योतिष देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, पहले लिरिक्स आया था लाउड और हम लोगों ने, मतलब पहले हम लोगों के पास लिरिक्स आया था, बट हम लोग लिरिक्स में हम लोग सोच रहे थे कि कैसे बनाएं, समझ नहीं आ रहा था सबसे पहली बात। और ये हम लोगों का तभी बात भी नहीं हुआ था कि कोई कंपोज कहीं पे देना है, जस्ट फॉर हम लोग को बनाना है। फिर इनका जस्ट 2-4 लाइन आया था, फर्स्ट 4 लाइन हम लोगों ने कंपोज किया, फिर हम लोग को अच्छा लगा कि 4 लाइन हम लोग को सबसे पहले हम लोगों ने क्रैक किया था, उसका हुक लाइन जो पंच होता है, तो वो हम बनाया। और फिर हम इनको बुलाया, आतिक जी को बुलाया कि आप प्लीज़ आइए आगे, हम कंपोज नाना नाना कर चुके हैं, इसमें आप लिखिए। फिर उन्होंने उसने लिखा है, तो हम इस तरीके से हम लोग साथ में बैठ के भी कंपोज किया बनाया। ओके, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था सर, मैम के साथ मैं पहले भी काम किया हूँ, बट ये वाला एक दिन मैं रास्ते में ऐसे जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आदमी प्यार करता है तो उसको मिलता क्या है, तो मैंने सोचा प्यार करता है आदमी का दो ही चीज़ होती है, एक नाम होता है एक बदनाम होता है। तो फिर मैंने ये लिरिक्स लिखा, फिर मैंने मैम को भेजा, मैंने कहा मैम ये लिरिक्स बनाया हूँ आप ज़रा देख लो। तो मैम ने देखा, पहले तो एक दो बार तो पसंद ही नहीं आता, देखी ही नहीं उसको, बाद में मैंने बोला मैम आप देख नहीं रहे लिरिक्स देखो ना, तो देखी तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने कंपोज किया, फिर उस पर अंतरा वगैरह हमने लिखा जी। तो आप जितने बदनाम हुए थे, क्या लगता है गाने में भी एक्टर एक्ट्रेस ने बदनाम हुए, क्या लगता है? बदनाम नहीं, मुझे लगता है कि नाम होगा, नाम होगा, नाम हुआ। सॉरी, ये गाना
एक्चुअली जब लिरिक्स मिला है तो उसके बाद म्यूजिक के हिसाब से हम लोगों ने बहुत अच्छा उसको रोमांटिक उसका कंपोज किया, देन काफ़ी बार हम लोगों ने बनाया और जब तक अच्छा नहीं बना। Amazing shoot done by the team, Mr. Anand, Mr. Yogesh, Abhishek Mishra, and मैं यही कहना चाहूँगा कि सब ने बहुत अच्छी तरीके से उस रोल को निभाया है, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और टीम बहुत अच्छी है। ऐसी टीम मिलना बहुत कम होता है कि आज की डेट में मिलती है लोगों को, शूट टाइम से होता है, ख्याल रखते हैं आर्टिस्ट का, एंड आई थिंक दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एरा राइट नाउ टू यू नो आर्टिस्ट को अच्छे से बात करना, उनसे अच्छे से रहना, उनको अच्छे से बताना, तो समटाइम्स नो हिकअप्स नथिंग इज देयर। सो आई बिलीव आई सेड ऑल द बेस्ट टू दिस प्रोडक्शन हाउस एंड और ज़्यादा ग्रो करे। तो आनंद जी को मैं पहले से जानती हूँ और उनके साथ आज से आई थिंक मैं 5 साल पहले काम कर चुकी हूँ, तब भी बहुत अच्छा लगा था, और जब अभी हाल ही में हमने काम किया तब भी बहुत अच्छा लगा। इस बार कुछ नए लोगों से टीम में मुलाकात हुई, लाइक अभिषेक जी, योगेश जी और भी जो भी टीम में मेंबर थे, सब बहुत ही कूल, बहुत ही काम, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट को कोई परेशानी नहीं, इवन किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। शूट बहुत अच्छे से हो गया, इवन जो हमारी शिफ्ट थी उससे पहले हमारा शूट हो गया, तो सब बहुत खुश भी थे और बहुत कूल तरीके से हुआ। और जो हमारा गाना आने वाला है वो आप लोग देखिएगा, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। यू विल फाइंड द प्रॉपर। कितने इग्नोर है बचपन से ही, तो वो
मुझे बोला दीदी आओ ना ब्लेसिंग देने, और मुझे चूज़ किया है तो इसका मन में तो कुछ है ही नहीं है ना दादा। तो दिल से दुआ आते हैं तो ऐसे लोग उसके दिल में कुछ नहीं रहते, उन लोग तो भगवान देखते हैं। और गाना के बारे में बोलो तो अच्छा ही है, अच्छा लगा, लेकिन दिल से दुआ है, इन लोगों को ब्लेसिंग के लिए बुलाया है। और एक बात, कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट, तुम्हारे काम पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो मन का ताकत नहीं रहेगा। तो एक्चुअली बिजनेस पैसा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, काम पे पूरा फोकस देना है, ठीक, मेरा काम सही हो, मेहनत करो, दिल से दुआ है मेरी तरफ से, मेरे हम लोग की कॉमेडी की तरफ से दिल से दुआ है, थैंक यू। अरे इसके अलावा रेखा जी के नाम से आप जानते हैं और आज रेखा जी का बर्थडे है, क्या कहना चाहिए? ओह माय गॉड, पहले तो नमस्ते रेखा मैम, दिल से दुआ है मेरी तरफ से, मेरी कॉमेडी की तरफ से, बहुत सपना है आपसे मिलके, मिलने का, पूरा बम्बई लोकल ट्रेन के दीदी लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरा और आपका एक फ़ोटो आ जाए। दिल से दुआ है, दिल से दुआ है आप लंबी उम्र जियो, थैंक यू मैम। रेखा जी से मुलाकात हुई आपकी तो क्या करेंगे? वो तो देखने से आप लोग को पता, पहले तो आप लोग को ही पता चलेगा ना। और आप लोग ही कर सकते हो जल्दी बुलाने के, है ना, जल्दी मिलाने के लिए। नमस्ते मैम, नमस्ते सब मीडिया वालों को, क्योंकि आप लोग की वजह से आज मुझे लोग जानते हैं, नहीं तो मुंबई लोकल ट्रेन में दीजिए दीजिए ऐसे ही घूमना पड़ता। आप लोग को भी सैल्यूट, दिल से दुआ है, ऐसे ही मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को और भी, पूजा शर्मा को बाहर को निकालो और भी निकालो, थैंक यू, थैंक यू दादा, सबको नमस्ते। किससे स्टार्ट कर रहे जी? बहुत खुशी हुई, जो इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते थे वो हमारे तक पहुंचा, और देख के बहुत प्योरिटी फील हुई कि बहुत प्योरली इस सॉन्ग को शूट किया है और लोगों ने एक्ट किया है, तो वाकई बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनकी केमिस्ट्री भी एक्चुअली बहुत अच्छी है, जो बॉन्डिंग उस एल्बम में दिखी, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। ना एंड एज एन एल्बम में कहीं ना कहीं ट्विस्ट भी दिखा है, वो जो प्रैंक का पार्ट आया था वो भी एक किस्म से ट्विस्ट था, कि कैसे स्टार्टिंग में कुछ अलग दिखाया देन वो चेंज होता है, इट वॉज नाइस। मेरे वर्ड्स तो ज्ञानेंद्र ने ले लिए, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। मैंने इतना देखा नहीं बिकॉज आई वॉज वेरी लेट, बट मैं ज़रूर देखूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर देखो। थैंक यू।